हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने लिखा था वांग जी ने वेइंग के लिए एक बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक सा लेटर लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद वेइंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी वेइंग से कहता है, वेइंग अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है कि मैंने क्या क्या किया है, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम तो नहीं हो जाएगा ना? वेइंग कहता है, नहीं लंजा, हाँ मैं ये ज़रूर विश करता हूँ कि काश मैं ही तुम्हारा फर्स्ट रहा होता, पर यह बहुत ही चाइल्डिश थॉट है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, पर तुम्हें पता है ना बेब कि अब मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा मैं पास्ट में हुआ करता था। वैसे तुम्हें लेटर कैसा लगा? मैंने बहुत टाइम लगाया उसे लिखने में। वेइंग कहता है, वो सच में बहुत वंडरफुल था। आज तक मेरे लिए कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऑलरेडी उस लेटर को 3 बार पढ़ चुका हूँ। वो छोटी छोटी चीज़ें जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुम मेरे बारे में सोचा करते थे। तुमने इन बातों को भी नोटिस किया कि मैं क्या पहना हुआ था। वांग जी ये सुनकर अचानक एम्बेरसिंग फील करने लगता है, तो वेइंग उससे कहता है, इसमें एम्बेरसिंग फील करने वाली क्या बात है, मुझे अच्छा लगा ये सब जानकर, बल्कि तुम्हें मुझसे ये सब कहना भी चाहिए। वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी एम्बेरस्ड नहीं हूँ। वेइंग कहता है, लंजा मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मेरी माँ भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लें। आई नो अभी वो अनरीजनेबल बन रही हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा पर वो भी तुम्हें समझ जाएंगी। वांग जी कहता है, वो अनरीजनेबल नहीं बन रही हैं। वेइंग कहता है, तुम उनकी साइड कब से हो गए? वांग जी कहता है, मैं उनकी साइड नहीं हूँ, पर अगर तुम मेरे सन होते तो मैं भी मेरे जैसे किसी इंसान से तुम्हें दूर रखने के लिए ही कहता। वो जो भी सोचती हैं मैं उन्हें उनके लिए ब्लेम नहीं करता, पर मुझे विश्वास है कि मैं उनका ट्रस्ट बहुत जल्दी ही गेन कर लूँगा, अब तुम जो मेरे साथ हो। वेइंग उससे कहता है, तुम्हें कभी कभी मेरे डोम पर भी मुझे मिलने के लिए आना होगा, मैं हर बार यहाँ तुम्हारे अपार्टमेंट में नहीं आ सकता, ये बहुत दूर पड़ता है। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारे डोम पर? तुम वहाँ नहीं रह रहे हो, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, तुम क्यों भूल जाती हो कि हम दोनों का अपार्टमेंट है? वेइंग कहता है, लंजा हम दोनों अभी ही तो फिर से रिलेशनशिप में आए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक होगा? वांग जी कहता है, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, और डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। वेइंग हंसते हुए कहता है, मैं तो खुद डोम में नहीं रहना चाहता, मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वांग जी कहता है, मुझे खुशी है कि तुम फिर से वही पुराने वाले वेइंग हो गए हो जो मुझे अननॉय किया करता था। वेइंग कहता है, और मुझे भी खुशी हो रही है कि तुम फिर से वही पुराने वाले रूड लांगवांग जी बन गए हो। तुम्हारा वो रोमांटिक सा लेटर पढ़ के एक सेकेंड के लिए तो मैं सोच में पड़ गया था कि तुम इतने रोमांटिक कब से हो गए। वांग जी कहता है, मुझे एक और बार रोमांटिक बुलाया तो यही बेड पर दिखा दूंगा कि मैं कितना रोमांटिक हो सकता हूँ, चाहे उसके बाद तुम्हारी आवाज़ें सुनकर माँ ही क्यों ना अंदर आ जाएं। उसकी शेमलेस बात सुनकर वेइंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो वेइंग से कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ इडियट, ज़रा अपना फेस तो देखो। वेइंग गुस्से में आकर उसे लिप्स पर किस कर लेता है। वांग जी भी तुरंत अपना मुँह खोलता है और अपनी टंग सीधा वेइंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। ऐसे ही वो धीरे धीरे बेड पर लेट जाता है और वेइंग अब उसके ऊपर था। दोनों की टंग जैसे एक दूसरे को मसाज दे रही थी। उन दोनों के बीच का पैशन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला था। वांग जी अलग होकर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं बहुत थक गया हूँ और तुम भी सो जाओ। वेइंग वांग जी के ऊपर ही उसके चेस्ट पर अपना सिर रख कर सो जाता है। शाम के वक्त वेइंग के फ़ोन के अलार्म से दोनों की आँखें खुलती हैं। वेइंग वांग जी को एक किस देता है और अपनी आंखें रब करते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी का बहुत मन कर रहा था बाथरूम में उसे फॉलो करने का, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसके साथ कुछ नॉटी करना चाहता था, बस इसलिए क्योंकि वो उसके नज़दीक रहना चाहता था। वेइंग के उसके साथ सोने से बेड अभी भी वांग जी को वार्म फील हो रहा था। कुछ मिनट बाद उनके दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर वांग जी की मॉम खड़ी थी जिसने उन दोनों के लिए कॉफ़ी बना ली थी। वांग जी दरवाज़ा खोलता है। वेइंग अभी भी बाथरूम में ही था। वांग जी की मदर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। वो टेबल पर कॉफ़ी रखकर वहाँ से जाने ही वाली होती है। अचानक वांग जी उनसे कहता है, मॉम आई लव यू। वांग जी की मदर अचानक से अपनी जगह पर ही खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी के मुँह से जो उसने शब्द सुने थे उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। वांग जी एक बार फिर कहता है, आई लव यू मॉम। मुझे पता है मैंने आज तक आपसे ये कभी नहीं कहा, पर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच अपने इस नालायक बेटे का हमेशा साथ देने के लिए। वांग जी की मदर उसे टाइटली हग करते हुए कहती है, विभूषण ने तुम्हें सच में बदल दिया है,
काश तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। वांग जी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा मॉम, वो सिर्फ मेरा है, मैं किसी को उसके आसपास भी नहीं आने दूंगा। वांग जी की माँ मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। वुइंग भी बाथरूम से बाहर आ गया था, वो शावर ले चुका था। वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल लग रहे हो वुइंग। पर वुइंग उसे कहता है, लंचा तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हो रहे हो, क्या तुम भूल गए हमें शिचैन के घर जाना है। वांग जी कहता है, तब से तुम बाथरूम में थे तो मैं कैसे शावर लेता, या तो तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ ही शावर लूँ। वुइंग कहता है, ठीक है ये सब बंद करो और जल्दी शावर लेकर बाहर आओ, मैंने अलार्म लगाया था इसीलिए ताकि हम बिल्कुल भी लेट ना हो। जब दोनों रेडी होकर और अपनी कॉफ़ी पीकर बाहर पहुंचते हैं तो वांग जी अपनी मदर से फिर पूछता है, क्या आप श्योर हैं कि आप वहां जाना चाहती हैं। वांग जी की मदर कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे फादर से कोई शिकायत नहीं है, हमारे सेपरेट हो जाने के बाद भी वो मेरे और तुम्हारे लिए मनी भेजा करते थे, उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं वांग जी। तो वांग जी कहता है, पर स्टिल उन्होंने हमें छोड़ तो दिया था ना। वांग जी की मदर कहती है, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा था, हम दोनों अपनी रजामंदी से सेपरेट हुए थे। मैं तुम्हें इस बात को कई बार कह चुकी हूँ, तुम बार बार ये बात क्यों लेकर आते हो। उस रात मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था तुम उसका जिम्मेदार भी अपने डैड को मानते हो। आई नो उनकी गलती थी कि वो इतनी रात को हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए, पर मैं ऑलरेडी उसके लिए उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ और तुम्हें भी कर देना चाहिए, वरना ये गुस्सा तुम्हें ही कंज्यूम करने लगेगा। वांग जी कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ उन्हें माफ़ करने की, पर जब भी मुझे वो सपने आते हैं मुझे अपने डैड से नफ़रत होने लगती है। तभी वुइंग कहता है, लंजा इस नफ़रत से क्या होगा, कुछ भी नहीं, इतने सालों तक तुम्हारा बिहेवियर उनके लिए कितना रूड था पर फिर भी उन्होंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह ही ट्रीट किया, और तो और वो मुझे भी अपना बेटा ही समझते हैं, प्लीज़ अपने डैड को एक मौका दो। आखिरकार वो लोग शिचैन के घर क्रिसमस पार्टी इंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। शुरुआत में वांग जी और उसकी मदर दोनों के लिए ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो था, पर उसके बाद वो तीनों भी इंजॉय करते हैं। लैंग फेंग भी वांग जी की मदर का स्वागत बहुत अच्छे से करती है। वहीं वुइंग को भी अपनी माँ की याद आ रही थी तो वो उन्हें कॉल करता है और क्रिसमस विश करता है। वांग जी भी उन्हें क्रिसमस विश करता है पर वुइंग की मदर उसका कोई जवाब नहीं देती। क्रिसमस पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद तीनों जब वापस अपने घर लौटते हैं तीनों ही बहुत थके हुए थे। वांग जी और वुइंग अपने रूम में आते हैं। वांग जी वुइंग को वेस्ट से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा ना। वुइंग उसके डिम्पल पर अपना हाथ ले जाते हुए कहता है, हाँ पर अब मुझे छोड़ो, मुझे शावर के लिए जाना है। वांग जी कहता है, पर क्यों, मैं भी चलूँगा, मुझे भी शावर लेना है। वुइंग कहता है, शेमलेस लंजा तुम्हें पता है ना पास ही के रूम में तुम्हारी मॉम भी हैं, वो क्या सोचेंगी कि हम दोनों साथ में शावर ले रहे हैं। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, केवल एक शावर की ही तो बात है ना, और ये कोई पहली बार तो है नहीं जो हम साथ में शावर ले रहे हैं। प्लीज़ वुइंग, और वुइंग उसके प्लीज़ को तो बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था, वो उसे हाँ कर देता है। दोनों बाथरूम में आ जाते हैं। वुइंग अपनी शर्ट निकाल रहा होता है तभी वांग जी भी अपनी पैंट्स और अपने अंडरवेयर को निकालते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है। वुइंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था वांग जी की नेकेड बॉडी को घूर घूर कर ना देखने की। जब दोनों कम्प्लीटली नेकेड हो जाते हैं दोनों शावर के अंदर आ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। वांग जी की नज़रें वुइंग की बॉडी की तरफ जाती हैं और उसकी थाइस पर जाकर रुक जाती हैं। वुइंग अपने आर्म से खुद को छुपाते हुए कहता है, क्या देख रहे हो। वांग जी हंसते हुए कहता है, तुम कब मेरे सामने शाय फील करना बंद करोगे वुइंग। वो अपने हाथ में सोप लेता है और उसकी बॉडी पर रब करना शुरू कर देता है। वांग जी अचानक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके पैरों पर सोप रब करना शुरू कर देता है। वुइंग की बॉडी में गूस बम्स होना शुरू हो गए थे। अपने सामने वांग जी को अपने घुटनों पर बैठा हुआ देखकर उसे ऑलरेडी काफ़ी शाय फील हो रहा था। अचानक से वो अपना फेस वुइंग की स्किन के इतना नज़दीक लेकर आता है कि उसके लिप्स ऑलमोस्ट उसकी लेफ्ट बैक साइड पर टच ही हो जाते हैं। वांग जी ने अपने एक हाथ से वुइंग की थाइस को पकड़ा हुआ था, वहीं वो दूसरी तरफ भी बिल्कुल उसी तरह उसे किस करता है जैसे उसने लेफ्ट साइड पर किया था। अचानक वो वुइंग से कहता है, मुझे शावर हेड दो। वुइंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, मुझे शावर हेड दो। वुइंग मेटल हुक में से शावर हेड निकालकर वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी सीधा उस शावर हेड को अपने हाथ में लेकर वुइंग के लोअर स्टमक पर ले जाता है और वहाँ पानी गिराने लगता है।
हॉट वाटर विंग की स्किन पर बह रहा था। वो वांग जी से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो लंजा? वांग जी पूछता है, कैसा फील हो रहा है विंग? अच्छा लग रहा है ना? विंग स्लाइटली हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें सिर्फ इतने से ही अच्छा फील हो रहा है तो थोड़ा सा और नीचे ले जाकर देखते हैं, फिर तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। वो ऐसा काफ़ी सिडक्टिव वॉइस में कहता है। विंग की बॉडी की जैसे हर एक सेल जाग चुकी थी और उसकी स्किन के अंदर डांस कर रही थी। वांग जी धीरे धीरे उसे टॉर्चर कर रहा था और जैसा कि उसने कहा था, वो शावर हेड को उसके लोएस्ट पार्ट तक ले जाता है और अब हॉट वाटर सीधे वहाँ था। वांग जी फिर से सिडक्टिव वॉइस में पूछता है, कैसा फील हो रहा है बेबी? क्या मुझे थोड़ा और लोअर जाना चाहिए या थोड़ा हायर? विंग खुद से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हॉट वाटर इतना अच्छा फील होता है। विंग अपने हाथ वांग जी के बालों में ले जाता है। अपने मोनिंग को कंट्रोल करने के लिए वो बॉटम लिप पर बाइट करना शुरू कर देता है, क्योंकि पास ही के रूम में वांग जी की मदर थी। अगर विंग खुद को कंट्रोल नहीं करता तो वो पक्का सब कुछ सुन लेती। धीरे धीरे पानी के जस्ट नीचे वांग जी अपनी सॉफ्ट टंग का इस्तेमाल करता है और विंग अब अपना बैलेंस ही खोने लगा था। ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके नीज शेक करने लगते हैं और वो वांग जी से कहता है, प्लीज़ लंजा। पर वांग जी अपने टंग का मूवमेंट और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है। विंग उसके बालों को और भी ज़ोर से खींचता है। उसके लेग्स इतने ज़्यादा शेकी हो रहे थे कि वो बस गिरने ही वाला था। वांग जी तभी शावर हेड को नीचे फ्लोर पर डाल देता है और अब अपने दोनों हाथों से विंग के लेग्स को पकड़ लेता है जिससे वो गिर ना जाए। अब जहाँ शावर हेड था वहाँ केवल वांग जी की टंग थी। विंग टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे एक हॉट सेंसेशन फील होती है। इससे पहले कि वो गिरता, वांग जी तुरंत खड़ा होकर उसकी वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को रैप कर लेता है और उसकी बॉडी को सपोर्ट करता है। विंग उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखते हुए कहता है, कभी कभी तुम टू मच हो लंजा। वांग जी स्माइल करते हुए और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, आई थिंक अब तुम अच्छे से क्लीन हो गए हो। अब विंग अपने हाथ में शैम्पू लेता है और वांग जी की बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है। जब दोनों क्लीन हो जाते हैं, विंग अभी भी अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट पर रब किए जा रहा था, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरी मम पास के ही रूम में है विंग, प्लीज़ थोड़ा सा तो सेल्फ कंट्रोल रखो। वो जानबूझकर विंग को टीज करने के लिए ऐसा कहता है। विंग तुरंत अपना हाथ हटा लेता है, टॉवल ग्रैब करते हुए बाहर निकलने लगता है। वांग जी भी हंसते हुए उसके पीछे बाहर आता है और उससे कहता है, आई नो मुझे देखकर तुम्हें कंट्रोल नहीं हो पाता होगा, पर तुम्हें थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी होगी विंग, तुम्हें थोड़ा सेल्फ कंट्रोल तो रखना होगा। विंग उससे कहता है, ये कैसा इंसान कह रहा है जिसने अभी ही मेरे ऊपर एक शावर हेड का इस्तेमाल किया? वांग जी कहता है, प्लीज़ ये मत कहना कि तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा। विंग अपनी आँखें रोल करते हुए कहता है, मुझे मेरे कपड़े निकाल कर दो। वांग जी कहता है, यस बेबी। वांग जी अलमीरा से विंग के कपड़े निकाल कर दे देता है। उस रात जब वो दोनों चेंज करके सोते हैं, वांग जी की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी का दिन कभी भी नहीं था। विंग उसके साथ था, उसकी माँ उसके साथ थी और उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने डैड को भी एक चांस देगा, क्योंकि उसने भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं। ये सब के बाद भी विंग उसे माफ़ करता आया है, इसलिए वो अपने और अपने डैड के बीच भी अब सब कुछ ठीक करना चाहता था और उसे विश्वास था कि जब विंग उसके साथ है तो वो उसकी मॉम को भी न्यू ईयर तक तो मना ही लेगा। वो विंग की तरफ देखता है तो विंग ऑलरेडी सो चुका था। वो उसकी वेस्ट को पकड़ते हुए उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ओके गाइस, इसी हैप्पी नोट के साथ हम इस फैन फिक्शन की एंडिंग यहीं पर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा। कुछ और नॉवेल्स हैं जिनको मैं शेयर करने का सोच रही थी, उनके ऑथर को मैंने कई बार मैसेज किया है पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। लेट्स सी, अगर उनका रिप्लाई आ जाता है और उनसे मुझे परमिशन मिल जाती है तो मैं पक्का उन नॉवेल्स को शेयर करूँगी, वरना मुझे कोई फ़ैन फिक्शन ही लेकर आना होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन के साथ। कब तक शेयर कर पाऊँगी ये तो मैं अभी नहीं बता सकती, पर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।